हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम के बिजनेस स्कूल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत। मैं सरिता झा, फाउंडर हूँ टीम डेयर टू ड्रीम की, दो बच्चों की मदर हूँ, एक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ और ओरिफ्लेम के साथ डायमंड डायरेक्टर हूँ। और मैंने स्टार्ट किया है ये डेयर टू ड्रीम बिजनेस स्कूल, जहाँ मेरा मकसद है आपको हर तरीके की ट्रेनिंग मिलना, सो देट आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। डेयर टू ड्रीम, सपने देखने का साहस तो करें, हम सब हैं आपकी मदद के लिए, जहाँ पे आप धीरे धीरे सारे स्किल्स को डेवलप करके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं और यहाँ से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हैं। सो आज का ये जो वीडियो है, ये एक बहुत ही खास वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्किन केयर कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे हमें डेली स्किन केयर करना चाहिए और कैसे हमें वीकली स्किन केयर करना चाहिए। तो बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस होते हैं जो आपसे मिस ना हो। दैट्स व्हाई जल्दी से जल्दी जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ मैं। अब हम बात करेंगे ओरिफ्लेम की, जहाँ ओरिफ्लेम आपको देता है बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, फूड केयर, बहुत सारे। तो आज का जो वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी स्किन केयर क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यस, तो अगर मैं ये सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। आज से 18 साल पहले जब मैं ओरिफ्लेम के साथ एसोसिएटेड नहीं थी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि स्किन केयर कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और हमारे यहाँ मतलब इंडिया में लड़कियों को सारी चीजें सिखाई जाती हैं, कैसे अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, तुम बड़ी होगी ससुराल जाओगी तो कैसे अपना घर संभालोगी, पति की देखभाल कैसे करोगी, बच्चों को कैसे देखभाल करोगी, सास ससुर की देखभाल तुमको कैसे करनी है। लेकिन कभी भी इन चीजों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। कभी हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि तुम्हें खुद की देखभाल कैसे करनी है। सो मैं भी कुछ वैसी ही थी और मेरी स्किन काफी ऑयली और प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन चूंकि बचपन से मेरी माँ लैक्मे लगाती थी तो मैं भी लैक्मे लगा लिया करती थी। जस्ट इमेजिन, मेरी स्किन फुल्ली पिंपल्स, खूब सारे गुच्छेदार पिंपल्स दोनों फेस में होते थे मेरे, और मैं लैक्मे का मॉइस्चराइजर लगाती थी बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था कि मुझे लगाना क्या चाहिए। सो मैं बहुत खुश थी। और कहते हैं ना कि हमारी एक बड़ी गंदी सी आदत होती है जो है ठीक है, बिकॉज हमें सॉल्यूशन पता नहीं होता। और कई बार ना मतलब खासकर मैं बहुत डरा करती थी किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हुए। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, हम सबों को खुद से बहुत प्यार होता है और हम जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करना नहीं चाहते। सो जब मेरे पास ये बिजनेस आया था तो मुझे भी लगा था पता नहीं कैसे प्रोडक्ट थे, पता नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा। सो समझ नहीं आया था, लेकिन जिसने मुझे इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया उसने मुझे एक बॉटल दी और कहा कि आप ये लेके जाओ, अगर फायदा होगा तो पैसे देना, अदरवाइज मत देना। मुझे लगा सौदा तो अच्छा है भाई, अगर फायदा नहीं हुआ तो मुझे पैसे नहीं देने। सो मैंने उठा लिए एंड ट्रस्ट मी, मैंने कुछ दिन, एक से दो वीक जब उस प्रोडक्ट को यूज किया, मेरे पिंपल्स काफी कम हुए और उसके बाद धीरे धीरे मेरी स्किन जो है वो काफी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। एंड आज के डेट में आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पहले से बहुत ही बेहतरीन हो गई है। यस, अभी भी मुझे पिंपल्स आते हैं बिकॉज ये तो हमारी स्किन का नेचर है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरी स्किन जो हमेशा गुच्छेदार पिंपल्स से भरी रहती थी, अब वो पिंपल्स नहीं है, वो दाग नहीं है। मेरी स्किन पहले से बहुत अच्छी हो गई है। कई सारे लोग जो मुझे पहले जानते थे वो जब आप मुझे देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि सरिता ये तुम ही हो, स्किन कितनी चेंज हो गई है तुम्हारी। सो अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मेरा कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड हुआ और मैं प्रॉपर स्किन केयर करना मैंने शुरू किया एंड तब से मेरी स्किन काफी अच्छी है। दैट्स व्हाई मैं लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग, रिंकल फ्री रखना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक स्किन केयर करने की जरूरत है। एंड खासकर हमारे लोग जो इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, वो जब लोगों के साथ इस बिजनेस की बातें करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास नॉलेज क्या है। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं दे सकते, अगर आप लोगों को बिजनेस का नॉलेज नहीं दे पाएंगे, अगर खुद आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर ग्रोथ की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो जिस बिजनेस को हम करने आए हैं उसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दैट्स व्हाई ये सेशन है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी स्किन केयर कैसे करना है हमें। सो सबसे पहली बात आती है स्किन केयर क्यों।
अगर हम स्किन केयर नहीं करते हैं, तो हमारी स्किन कैसी होती है? डल होती है, रफ होती है, फुल ऑफ ब्लेमिशेस, दाग धब्बे होते हैं हमारे स्किन में, फुल ऑफ पिंपल्स, जो पहले मेरा हुआ करता था, ठीक है। एंड हमारे स्किन पे डैमेजिंग बहुत ज्यादा होती है, रिंकल्स बहुत जल्दी आती है, एंड हमारी एजिंग बहुत जल्दी नजर आनी शुरू हो जाती है। एंड इंडिया में आप देखेंगे कि मैक्सिमम वुमेन अपनी उम्र से 5-10 साल बड़ी नजर आती है, बिकॉज हमारे यहाँ हम लोग स्किन केयर करते ही नहीं है। सो हमारे यहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी आपको मिलेंगी, हम ज्वेलरीज खूब अच्छी खरीदते हैं, संभाल के रखना भी जानते हैं, लेकिन खुद की देखभाल आज भी उतनी ज्यादा लोग नहीं करते जितनी करनी चाहिए। और हमें लगता है कि एक बार जाके शादी ब्याह कभी है तो हम जाकर के फेशियल करा लेंगे तो हमारी स्किन काफी अच्छी हो जाएगी, बट ट्रस्ट मी, कभी भी रेस्टोरेंट में जाकर के एक दिन को बढ़िया खाना खाने से आप हेल्दी नहीं हो सकते। हेल्दी होने के लिए आपको एवरी डे हेल्दी फूड लेना पड़ता है, वैसे ही अच्छे स्किन के लिए आपको एवरी डे स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये स्किन केयर है क्या, और अगर आप स्किन केयर करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग, रिंकल फ्री, पिंपल फ्री एंड ब्लेमिशेस फ्री रहती है। सो एक अच्छी स्किन के लिए आपको स्किन केयर करना मैंडेटरी होता है। सो स्किन केयर कैसे करते हैं दोस्तों, स्किन केयर का जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज क्लेंजिंग। कई सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जब हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनसे जब हम पूछते हैं कि भाई आप अपना स्किन केयर कैसे करते हैं, नहीं मैं तो कुछ नहीं करती, या फिर कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं तो उनका कहना होता है मैं तो वो कच्चा दूध लगाती हूँ, कई लोगों का कहना होता है मैं तो डेली बेसन लगाती हूँ। सो देखो, ये जो होम रेमेडीज है ना, ये पहले के टाइम के लिए सही था, बिकॉज पहले का हमारा खान पीन सही था, पॉल्यूशन नहीं था, हम स्ट्रेस इतना नहीं लेते थे, तो अगर हम स्किन केयर उतनी प्रॉपर नहीं भी करते थे तो चलता था। लेकिन आज के डेट में आपको तो ढंग से कई लोगों को ये पता भी नहीं होता कि बेसन किस स्किन को जाएगा। एक ड्राई स्किन को बेसन लगाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो आपके स्किन को और भी ज्यादा ड्राई करता है, ठीक है। तो प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं होता, अगर आप बेसन लगा भी रहे हो उसमें क्या मिला के लगाना है। कई लोगों को लाइक, अगर मैं बेसन लगाऊं, मेरी स्किन ऑयली थी और मैं जब भी बेसन लगाती थी मेरे पूरे दाने हो जाया करते थे। सो हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए मैं होम रेमेडीज को मैं नहीं बोलूंगी कि आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करें अपने स्किन पे, बिकॉज आज के टाइम में बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं जो काफी रिसर्च करके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाती है। सो एंड अगर मैं ओरिफ्लेम की बात करूं तो 55 सालों का एक्सपीरियंस है इसका स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने में। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही उम्दा क्वालिटी के होते हैं, 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो काफी रिसर्च करके हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट कंज्यूमर टेस्टेड होते हैं, हमारे प्रोडक्ट क्लिनिकल प्रूफ होते हैं। सो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स होने के बाद भी अगर हम खुद की देखभाल ना करें तो फिर कोई आंसर नहीं है। सो स्किन केयर कैसे करना चाहिए, तो एवरी डे हमें अपने स्किन को क्लीन करने के लिए क्लेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो फेस वॉश लगाते हैं, बट फेस वॉश डीप क्लीनिंग नहीं करता। एंड कई लोगों को ये लगता है कि वाई क्लेंजर, मैं तो मेकअप तो मैंने किया नहीं है, मैं तो मेकअप कर नहीं रही हूँ, मैं तो कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ, तो क्लेंजर की क्या जरूरत है। बट ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि जब वो बाहर जाते हैं तभी उनको क्लेंजर लगाना चाहिए, या फिर जब वो मेकअप करते हैं तभी उनको क्लेंजर से रिमूव करना चाहिए। नहीं, आप घर में कुकिंग करती है ना, जाके देखो कभी चिमनी की हालत, कुकिंग से जो स्टीम निकलती है वो किस कदर आपकी चिमनी को डैमेज करती है, चिमनी कितनी सारी चीजें आपकी सोक करती है। सो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे स्किन पे भी पड़ता है। आप देखा होगा आपने कि अगर हम लोग घर का जो टेबल होता है नॉर्मल, उसकी डस्टिंग अगर हम एक दिन ना करें तो आप देखोगे कि उसके ऊपर भी काफी सारा डस्ट जमा हो जाता है। तो अगर एक टेबल के ऊपर भी इतना डस्ट जमा होता है और हमारी चिमनी इतनी गंदी होती है, तो क्या हमारी स्किन डैमेज नहीं होती? जस्ट इमेजिन कि हमारी स्किन कितनी डैमेज होती होगी, कितनी गंदी होती होगी। तो अगर हमारी स्किन गंदी हो रही है तो एवरी डे स्किन की क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारी जो स्किन डैमेज होती है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी स्किन को प्रॉपर क्लीन नहीं करने
की वजह से। सो प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है, दैट्स वाई हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप फेस वॉश नहीं क्लिंजर का इस्तेमाल करें, बिकॉज क्लिंजर आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है। क्लिंजर के बाद हम लोग यूज करते हैं टोनर, बिकॉज क्लिंजर आपके पूरे पोर्स वगैरह ओपन करके डर्ट निकालता है। क्लिंजर के बाद टोनर यूज करते हैं, टोनर आपके ओपन पोर्स को वापस अपने पोजिशन में लेके जाता है, आपके स्किन की टाइटनिंग करता है, साथ ही थोड़ा बहुत जो डर्ट होता है उसको भी टोनर रिमूव कर देता है। तो हो गया क्लिंजर एंड टोनर। क्लिंजर टोनर के बाद हम लोग यूज करते हैं आई क्रीम। कई सारे लोग हैं जो आई क्रीम कभी लगाते ही नहीं है और ध्यान भी नहीं देते, लेकिन सच पूछो तो फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग स्टार्ट ही यहाँ से होती है। यहाँ पे कोई स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं होती एंड दैट्स व्हाई जो सबसे पहले रिंकल्स आता है ना वो यहीं पे आती है। आप देखोगे कभी अगर आपने स्ट्रेस ले लिया या फिर आप सो नहीं पाए तो सबसे पहले जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो यहाँ पे आपके नजर आएंगे। तो कहते हैं ना कि आपकी आंखें सब कुछ बयां कर जाती है। तो क्लेंजिंग टोनिंग के बाद हमें एवरी डे आई क्रीम यूज करनी चाहिए, और आई क्रीम कितनी यूज करेंगे ये इसका एक अलग सा वीडियो है जहां पे आपको मैं दिखाऊंगी सारी चीजें कि कितनी क्वांटिटी में हमें ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए। सो आई क्रीम यूज करते हैं एंड आई क्रीम जस्ट एक सरसों का जो छोटा दाना होता है ना जस्ट उतना सा लेते हैं हम लोग इस रिंग फिंगर पे, इस पे लिया एंड जस्ट यू मिक्स किया एंड बस यू अप्लाई करके छोड़ देना है। कोई मसाज नहीं, कुछ नहीं करना। मॉर्निंग, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये मॉर्निंग एंड नाइट बोथ में यूज होगा। सो क्लिंजिंग टोनिंग आई क्रीम, देन दिन में हम लोग लगाते हैं डे क्रीम और रात में यूज करते हैं नाइट क्रीम। व्हाई डे क्रीम? डे क्रीम आपको सन से पॉल्यूशन से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। एंड नाइट क्रीम, दिन भर क्या होता है कि नाइट क्रीम स्पेशली डिजाइन किया जाता है रात के लिए, जब हम रात में सोते हैं तो हमारी स्किन बिल्कुल शिथिल और शांत होती है। सो दिन भर जो हमारी स्किन डैमेज होती है ना, जब आप स्ट्रेस लेते हो, जब आप धूप में जाते हो तो हमारी स्किन काफी डैमेज होती है, बच्चों पे चिल्लाते हैं, इन सारी चीजों से एवरी डे हमारी स्किन डैमेज होती है। सो अगर हम नाइट क्रीम लगाते हैं सोने समय, अगर हम नाइट क्रीम लगाएं तो दिन भर की जो डैमेजिंग है उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? नाइट क्रीम। सो क्लिंजिंग टोनिंग डे क्रीम, आई क्रीम, डे क्रीम एंड रात में नाइट क्रीम। नाइट में जो रिपेयरिंग आपकी स्किन की हुई है ना उसको मेंटेन कौन करता है? डे क्रीम। कई लोगों के सवाल होते हैं ये अलग अलग क्रीम क्यों? तो अलग अलग क्रीम की वजह होती है कि दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। नाइट क्रीम रिंकल रिपेयर करता है, डे क्रीम उस रिपेयरिंग को मेंटेन करता है, डे क्रीम आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सो अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहती हैं तो ये स्किन केयर रूटीन आपको करना ही चाहिए। सो दिन में डे क्रीम, रात में नाइट क्रीम, लेकिन जब नाइट क्रीम लगाएंगे तो वहां भी क्लिंजर टोनर आई क्रीम जरूर लगाना है, ठीक है? 2 मिनट मॉर्निंग, 2 मिनट नाइट, आप पाए एक हेल्दी ग्लोइंग एंड रिंकल फ्री स्किन, राइट? इसके साथ साथ आपको मिलती है एक स्पेशल केयर। कई लोग होते हैं ना जो जिनको खुद से बहुत प्यार होता है और वो स्पेशल केयर करना चाहते हैं, लाइक हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है और आपने देखा होगा कि हर मदर अपने बच्चों को दूध में कुछ ना कुछ मिला के देती है। कुछ ना कुछ मीन्स लाइक हम कॉम्प्लान डालते हैं, बॉर्नविटा डालते हैं, क्यों? बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं जो हम मिलाते हैं, क्यों? जबकि दूध तो अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, फिर भी हम मदर्स का दिल नहीं मानता और हमें लगता है नहीं इसमें कुछ ना कुछ मिलाओ सो दैट मेरे बच्चे को ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिले। दैट्स लाइक बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्किन का जो बूस्टर होता है वो होता है सीरम। सीरम बिल्कुल जैसे हम एक नेचुरल पत्तों को जब निचोड़ते हैं ना तो आप देखोगे बहुत पतला सा रस निकलता है, वो जो पतला सा रस होता है वो होता है सीरम भी, बिल्कुल वैसा ही होता है, उतना ही प्योर होता है और वाटर बेस्ड होता है। एंड इस सीरम को जब हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करेंगे? क्लिंजिंग टोनिंग आई क्रीम के बाद हम सीरम लगाते हैं। सीरम को लगाया, सीरम आपके स्किन में बिल्कुल डीप तक जाके आपके स्किन को नॉरिश करता है। सो सीरम के बाद जब हम डे या नाइट क्रीम लगाते हैं तो इस डे और नाइट क्रीम की जो इफेक्टिवनेस है वो काफी बढ़ जाती है और आपकी स्किन पहले से ज्यादा बूस्ट हो जाती है, ज्यादा हेल्दी होती है। सो खुद से अगर करते हैं प्यार तो ये जो 2 मिनट की स्किन केयर रूटीन है इसे हमें एवरी डे जरूर करें। सो ये 2 मिनट आपको देता है हमेशा एक हेल्दी ग्लोइंग एंड रिंकल फ्री स्किन। आई होप ये डेली केयर का जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। क्यों हमें लगाना चाहिए डे क्रीम, क्यों हमें लगानी चाहिए नाइट क्रीम,
वाई क्लेंजर, वाई टोनर। सो गो थ्रू, आप इसके साथ अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करें एंड खुद में आपको महसूस होगा कि वाओ, आपकी स्किन काफी हेल्दी हो गई है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यस, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, सो दैट टाइम टू टाइम आने वाली बहुत सारी वीडियोस जो होंगी वो आपसे मिस ना हो। ये था डेली स्किन केयर का वीडियो। इसके बाद मैं आपको दूंगी वीकली स्किन केयर, देन दूंगी हेयर केयर, देन बॉडी केयर। सो बहुत सारे चीजें आपका इंतजार कर रही है। सो जरूर 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 बेल आइकन को दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Happy skincare and be healthy, be beautiful, be always glamorous. Till then, bye bye.